Hi guys, this is me, your favorite KR, and you are watching Rishi Kumar Rai YouTube channel. तो कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग अच्छे होंगे कि मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ. आज दिन बहुत अच्छा है कि भाई आज संडे है. संडे मतलब फंडे, मतलब फुल मस्ती, फुल माहौल, फुल मजाक. बट एक छोटी सी बुरी न्यूज है, वो ये है कि तनिष और काकू को आज वापस जाना पड़ रहा है अपने घर, क्योंकि दो दिन थे वो हमारे साथ तो बहुत मजा तो आ ही रहा था. बट अब उनकी भी स्कूल है, उनकी भी एजुकेशन. आज संडे है, कल जाके उनका स्कूल वगैरह हो जाएगा या फिर उनका पढ़ाई ट्यूशन वगैरह हो जाएगा, तो उनको आज जाना पड़ेगा. बट हम ट्राई करेंगे आज भी हम लोग फुल मस्ती कर पाए. बट अभी मॉर्निंग में तो सबसे पहले हम लोग उनको अच्छे से ब्रेकफास्ट कराते हैं. मम्मी उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है, उनको पहले ब्रेकफास्ट कराते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर उनको छोड़ने चलेंगे. ऐसे नहीं कि बस प्यार से उनसे मस्त बातें बातें करके फिर उनको छोड़ के आएंगे. तो गाइस अभी करते हैं ब्रेकफास्ट मेरे साथ काकू तनिषा. अच्छा तुम दोनों को आज घर जाना है, मन कर रहा है तुम्हें घर जाने का? मन कर रहा है ठीक है, इसको मन कर रहा है तो हम इसको भेज देंगे. तनिषा तेरा मन नहीं कर रहा है तो रुकना है ना, तो हम तनिषा को रुक लेंगे और काकू को हम भेज देंगे और अद्विक को भी इसके साथ ही भेज देंगे. गाइस संडे है तो आज मेरे को ज्यादा मेजर प्लान्स है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ आज होम टूर वाली वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि एक नई तरीके की वीडियो आएगी तो आप लोगों को भी कुछ फ्रेश और कुछ नया देखने को मिलेगा. आज हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं और कल हम होम टूर वाली वीडियो को अपलोड करेंगे. गाइज ये है हमारे घर का फ्रंट साइड, ये टॉप टू बॉटम सारा ही अपना है. तो गाइज ये है घर की मेन एंट्री, यहाँ से गेट खोला और हम सीधा पहुंच जाते हैं कहाँ, हमारे प्यारे फ्रिज के पास, जिसके अंदर खाने पीने का सामान होता है बहुत सारा अच्छा अच्छा ये है पूरा वाइड. ठीक है, तो यहाँ से ये वाला रूम है, ये ड्राइंग रूम है और इधर की तरफ एक और बेडरूम है और यहाँ पे फैन लगा हुआ है. इधर की तरफ वॉशरूम है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब तो आप देख ही चुके हो. तो गाइस घर का फ्रंट तो आप लोगों ने देख लिया है, अब दिखाता हूँ मैं आपको अंदर की चीज, कहाँ पे मैं बैठता हूँ, सोता हूँ, कहाँ पे हम लोग मस्ती करते हैं, कहाँ पे मैं अपनी वीडियो एडिट करता हूँ और कहाँ पे मैं अपने बाकी सारे काम निपटाता हूँ. अब मैं आपको घर के अंदर का दिखाता हूँ. सो गाइस ये है हमारा सिटिंग एरिया, यहाँ पे ड्राइंग रूम है हमारा, यहाँ पे हम सब लोग बैठते हैं. इस वॉल तो आपने देखी होगी, पीछे ये वाला भी आपने देखा ही होगा, क्योंकि मैं सारी वीडियो मेरी यहीं पे बनती है. मैं रील्स भी यहीं पे बनाता हूँ. रील्स देखो मैं यहाँ पे जुगाड़ करके बनाता हूँ. यहाँ पे है ना, मैं इधर अपना फोन अपना ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रख देता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ और पीछे फिर ये वाला बैकग्राउंड आ जाता है. तो ये है हमारा फर्स्ट रूम, जहाँ पे आपने मैक्सिमम व्लॉग्स के अंदर यही देखा होगा. देख लो जूम कर. रूम आपने देख लिया, मैं आपको दिखाता हूँ हमारा मास्टर बेडरूम. यहाँ पे हमारा जो मेन बेडरूम है वो ये है, ऊपर एसी लगा हुआ है, ये तो आपने देखा ही होगा अद्विक वाले ब्लॉक के अंदर मैं लेके आया था. पीछे है टीवी, जहाँ पे हम लोग लेट के हमारा टीवी देखते हैं. ये रहा हमारा बेड जहाँ पे हम लोग सोते हैं, पीछे मंदिर भी लगा हुआ है. और ये रही वाली वॉल जो आपने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखी होंगी, क्योंकि इस वॉल पे टेक्सचर हो रखा है, लाइट है, तो मोस्टली कभी कभी ब्लॉग्स का जो स्टार्टिंग होता है या कभी कभार एंडिंग होती है, बीच का जो कुछ भी पार्ट होता है, कुछ ना कुछ ब्लॉग के पार्ट में ये आता ही आता है. तो ये हमारा दूसरा रूम आप देख सकते हैं. बाकी मैं और मस्त चीजें दिखाता हूँ. अलमीरा अद्विक की जो आपको पता ही है, टीवी, बेड और भी चीजें, ये भी मंदिर में सामान रखा हुआ है, ऊपर भी सामान रखा हुआ है, बहुत सारा सामान रखा रहता है. यहाँ पे एक पोर्ट्रेट अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे एक फ्रेम था, मेरी बहुत सारी फोटोज थी, बट दिल और वो फ्रेम एक ही दिन टूटा है. मजाक कर रहा हूँ. पूरी दिन सफाई करते हुए फ्रेम गिर गया था, तो बेचारा वो फ्रेम टूट गया, इसलिए मैंने उसको भी साइड कर दिया. बाकी ये देखो नीचे मेडिसिन भी रखी हुई है, अद्विक की जितनी भी केयर का सामान होता है हम सारा इसी रूम के अंदर रखते हैं. बाकी म्यूजिक सिस्टम, क्योंकि सुबह सुबह गाने सुनना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. इधर की तरफ है मंदिर, क्योंकि यहाँ पे ना वो सन की डायरेक्शन के उससे बना रखा है ईस्ट फेसिंग करके. पीछे हमारे बेड, अभी मैं तेरी लेटा हुआ था, थोड़ा बेड मेसी हो रखा है. बारी आती है हमारे थर्ड रूम की, ये भी एक तरह का बेडरूम ही है, बट मोस्टली यहाँ पे हम लोग विंटर्स में ही ज्यादातर स्टे करते हैं, मतलब सोने होने वाला सीन, या फिर जिसका भी मन करता है सो जाता है. ऐसा कुछ है नहीं कि पर्टिकुलर रूम इसका है उसका है, जहाँ जिसका मन करता है भाई वहाँ वो लेट जाता है, बैठ जाता है, खाना खाता है, जिसका जो मन करे भाई वो करो, अपने घर में फुल फ्रीडम है. तो जल्दी इसमें आपको ये थर्ड रूम भी दिखाता हूँ. तो गाइस ये रूम है, ये हमारी वुडन अलमीरा है, इसके अंदर ही हमारे सारे कपड़े सामान, मोस्टली हम जितने भी हम ना उन सबका सामान इसके अंदर रहता है. यहाँ मेरा लैपटॉप बैग रखा हुआ है, नीचे भी बैग रखा हुआ है, बहुत सारे सामान ऐसे पड़ा भी रहता है इस रूम में. यहाँ पे अभी अद्विक इस वाले रूम में शिफ्ट हो गया, बिकॉज वहाँ पे एसी है ना, तो एसी में हम उसको लिटाते नहीं है, तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया. ये रखा उसका छोटा सा तकिया, ये रहा नोनू का पिल्लो, और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा सामान भी रखा. और ये जो अलमीरा ना, ये ऑलमोस्ट नहीं तो 20 साल पुरानी है, बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी की, तो यार हम लोग अभी भी इसको यूज करते हैं. सीनरी वॉल वगैरह आपने देखा ही होगा मोस्टली कहने का ब्लॉक के अंदर. ये था हमारा थर्ड रूम, और मैं मेजरली काम इसी रूम के अंदर बैठ के करता हूँ, क्योंकि इस रूम के अंदर बहुत ज्यादा पीस है. क्योंकि जो वाला कमरा है ना वो ऐसा है, मतलब मेन कमरा, मतलब कोई भी आता गेट से घुसता है सीधा उस रूम के अंदर तरफ जाता है, तो वहां पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है काम के लेके. तो कभी भी स्टडीज का कुछ होता है, कभी मुझे कुछ पढ़ना होता है, नोनू कुछ पढ़ रही होती है, या मैं अपनी एडिटिंग कर रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, तो मैं इसी रूम में या नोनू इसी रूम में, तो मतलब सारा फोकस का जितना भी गेम होता है ना वो सब लोग हम लोग इसी रूम में करते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा पीसफुल होता है, बहुत शांत होता है, और इस रूम का टेम्परेचर बहुत सही है, ना यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, ना यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, तो इस रूम का टेम्परेचर बहुत सही है, बहुत मजा आता है. तो मेरा तो बहुत ज्यादा मेजर टाइम इसी रूम में चला जाता है, मैं यहीं पे लेट जाता हूँ, यहीं पे बैठ जाता हूँ, यहीं पे अपना सारा काम कर लेता हूँ.
अलावा जो मेरी सबसे दूसरी फेवरेट चीज है वो है ये किचन। इस पे कम्प्लीटली मम्मी का कब्जा है, क्योंकि इस चीज को पूरी तरीके से मम्मी हैंडल कर पाती है। भाई हमारे बस की तो है नहीं, सबका खाना किसको क्या पसंद है, कौन सा सामान कहाँ रखा है, कौन सी चीज कही है, कब लेके आनी है, कब खत्म हो गई, इस सब कुछ ना मम्मी के पता ही होता है, क्योंकि उसमें मम्मी का ही दिमाग इतना तेज चल पाता है। हमें तो भाई समझ में ही नहीं आता, हम तो ढूंढते रह जाते कहाँ कहाँ है नमक, कहाँ है चीनी, तो हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ता। बट हाँ, मेरे को कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है, मैं कुछ चीजें काफी सही बना लेता हूँ। अभी मौका मिलेगा तो यार पक्का आप लोगों को भी खिलाऊंगा, या कोई मेरे यार दोस्त कभी कभार आते तो उनको खिला देता हूँ। नूर आता है तो बेचारी किस्म बहुत खराब है, मैं हमेशा उसके लिए बहुत गंदी चाय बनाता हूँ, बट अदरवाइज मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ, जेन्युइनली बना लेता हूँ। अगर कोई मौका मिले तो भाई अपनी मम्मी पापा से भी पूछवा दूंगा आपको, मैं बहुत सारे खाना बना लेता हूँ सच में। हाँ, सो गाइस यही था हमारा छोटा सा प्यारा सा घर, और मैंने आज तक कभी अपने घर को इस नजर से देखा नहीं था, कि मतलब हमेशा से रहा हूं तो कभी ऐसा था नहीं कि वीडियो में कैसे देखेगा, बट मैंने फर्स्ट टाइम मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा वीडियो में इसको बेटर से बेटर दिखाने का, या जो भी रियलिटी है जिस तरह से हम लोग रहते हैं जहाँ पे भी उनका सामान पड़ा रहता है उस तरीके से दिखाने का। बाकी नीचे एक फ्लोर है वो भी थोड़ा ऐसा सिमिलर ही है, तो उसमें वो दिखाने का इतना कुछ था नहीं, और जो ऊपर वाला फ्लोर है वो तो एक्जैक्टली ही ऐसा है, मतलब तीन कमरे और ऐसे ही किचन ऐसा ही सब कुछ, बट बस हाँ प्लेसिंग अलग अलग है, ठीक है। और उसके ऊपर है हमारी छत, वहाँ पे एक स्टोर रूम, वहाँ पे जो भी यूज सामान होता है जिसकी ज्यादा नीड नहीं होती वो ऊपर रहता है, उस हिसाब से मेरे को भी ऊपर ही आना चाहिए, बट घर वाले अच्छे उन्होंने मुझे यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये वो सही चीज है लोगों की। बट हाँ मैंने बहुत मुश्किल, मतलब मुश्किल तो नहीं बोलूंगा, बट मेरे थोड़ा डिफरेंट था, मेरा थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था अपने घर को, तो वीडियो में कैसे दिखाऊं मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया, अगर व्लॉग पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना, अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों सबको शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ इस व्लॉग को मैं करता हूं एंड, बाकी का दिनचर्या मैं दिखाता रहूंगा और आगे वाले व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है, तो प्लीज आइए वीडियो देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। गुड बाय। उन्होंने मुझे नीचे रखा है, खाना वाना दे देते हैं टाइम पे, बहुत अच्छे।